हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कार्बन एंड कंपाउंड्स क्लास 10th, ये हमारा फोर्थ यूनिट है, फोर्थ चैप्टर है। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इस बार 2021 में जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस पे गौर करते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, इसका विशेष ध्यान रखना। कोवेलेंट बॉन्ड ये आएगा, व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पढ़ा है शेयरिंग वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, और कार्बन का नेचर क्या है, ठीक है, और जो होमोलोगस सीरीज होती है उससे रिलेटेड आता है। हाँ, इस बार थोड़ा आईपीएसी कम आएगा और कार्बन के कंपाउंड्स भी आएंगे। सोप एंड डिटर्जेंट को रिड्यूस किया गया है, तो हमें फोकस करना है कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स का नेचर, उसमें किस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने हैं, और होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत जितनी भी चीजें आनी है वो आपको बताएंगे, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। ये थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन होगा। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, समझिए ध्यान से। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव कैसे आएगी समझना ध्यान से। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, एथेन विद द मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H6। एथेन का फॉर्मूला दिया गया C2H6 क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूछा गया इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 6 कोवेलेंट बॉन्ड, 7 कोवेलेंट बॉन्ड, 8 कोवेलेंट बॉन्ड, 9 कोवेलेंट बॉन्ड, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पहले हम C2H6 की स्ट्रक्चर बताएंगे। ये एल्केन है, C2H6 क्या है, एल्केन। तो यहाँ पर दो कार्बन ले लिए गए, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ये फार्मूला किसका है, CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फार्मूला है। तो इसमें अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, आपको पता होगा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन इधर साइड में लगे हुए हैं और 3 हाइड्रोजन आपके इधर लगे हुए हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर कुल कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो पहले बात बताते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, यहाँ पर इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग इंडिविजुअल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड क्यों कहलाता है, जब एकल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जहां पर सिंगल शेयरिंग होती है, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो इनकी शेयरिंग से इनका ऑक्टेट पूरा हो रहा है कार्बन का। कार्बन के पास 8 हो रहे हैं, हाइड्रोजन के पास 2 हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कार्बन के पास चारों तरफ 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इधर भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं। टोटल बॉन्ड कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने, 7 कोवेलेंट बॉन्ड, समझ में आ गया। क्वेश्चन आ गया कितने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 7 सिग्मा बॉन्ड है, 0 पाई बॉन्ड है, समझ में आ गया। तुम कहोगे पाई बॉन्ड क्या होता है, जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पाई बॉन्ड होता है। तो अभी यहाँ पर टोटल पूछा गया था कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आंसर हमारा बी सही है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कह रहा है कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग इट्स 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयरिंग करते हैं विद 4 यूनिवैलेंट एटम्स, किसी यूनिवैलेंट एटम से। यूनिवैलेंट एटम जानते हो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक यूनिवैलेंट एटम है। तो कार्बन की वैलेंसी सबको पता है कितनी होती है, 4, और कार्बन कितने तरह के बॉन्ड बनाता है, 4 तरह के बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट, और किससे बना रहा है, यूनिवेलेंट, माने का हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है, एक एक की शेयरिंग करेंगे। कार्बन के पास कितने हो गए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, शेयरिंग करके 8 हो गए, बोलो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है कार्बन, समझ में आ गया, यूनिवेलेंट से। इसके बाद क्या है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द 4 बॉन्ड बन गए, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, कार्बन अटेंड द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, फिर कार्बन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन अटेंड करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन अटेंड कर लिया। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम अटेंड करेगा, नियॉन करेगा, आर्गन करेगा कि क्रिप्टन करेगा, ये सब के सब इनर्ट गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, समझ में आ गया। तो ये जो आपके सामने है ये सब इनर्ट कैसे है, इसका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, और 18 में फिर 18 जोड़ दिए जाए 36 इसका होता है।
तो ये अब आप बताओ कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन थे, चार चार कितने हो गए, आठ हो गए। अब बताओ यहाँ पर कार्बन के पास में चार थे, चार चार बाहरी कक्षा में आठ हो गए, तो टू कॉमा क्या हो गया, एट। और टू कॉमा एट किसका होता है, नियोन का होता है, नियोन के दस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, सिक्स इलेक्ट्रॉन थे, तो कार्बन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन थे, चार शेयरिंग कर गई, छह चार दस हो गए, दस इलेक्ट्रॉन किसका होता है, नियोन गैस, इनर्ट गैस है, तो इसमें ऑप्शन में टिक मारेंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ये था, कार्बन की वैलेंसी चार है, चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं यूनिवेलेंट हाइड्रोजन एटम से, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका ग्रहण कर लेगा, किसका अटेन कर लेगा, तो भाई चार थे लास्ट में, चार चार में शेयरिंग करके आठ हो गए, तो टू कॉमा फोर की बजाय टू कॉमा एट हो गया, और टू कॉमा एट किसका होता है, नियॉन का होता है, इसलिए ऑप्शन में नियॉन में टिक मारेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, ये समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नियॉन में टिक मार देंगे कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज, करेक्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछिए किसकी है, और चारों ऑप्शन में इन्होंने ऐसे दिया है। पहला ऑप्शन है, इसमें इन्होंने इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से देखना ध्यान से, इस तरीके से ये है कि ये है, ध्यान से देखना सभी लोग कि ये कंफिग्रेशन आएगा। अब आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन इस तरह डॉट से शो करते हैं, अब आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बताइए। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ, बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कौन सा सही है बच्चों। तीसरा सही है, क्यों थर्ड क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का एक, ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन का एक, ऑक्सीजन का एक है। अब आप देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन के कितने हो गए, दो, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक हो गए, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है और बाकी ये सब गलत है। यहाँ एक बीच में कभी बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो चाहिए, इसका बोलो, तो ये गलत है। समझ में आ गया। इस तरह ये भी देखिए गलत है, सही से नहीं दिखाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं, तो ये सब पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और ऑक्सीजन के आउटर सेल में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, बाइवैलेंट, दिस इज ए यूनिवेलेंट, हाइड्रोजन इज ए यूनिवेलेंट। अगर हाइड्रोजन यूनिवेलेंट है तो ऑक्सीजन कैसा है यहाँ पर, बाइवैलेंट है, क्योंकि छह है, दो चाहिए, आठ हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने हो गए, दो दो चार पांच छह इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, मैंने पहले भी स्टार्टिंग का कोवेलेंट फॉर्मेशन से रिलेटेड आपकी दो नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। समझ में आ गया। तो इसमें विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आईपीसी रिड्यूस कर दिया गया है, सोप एंड डिटर्जेंट रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसलिए अब हमें किस पे ऑप्शन आ रहा है, कार्बन से बने हुए बॉन्डिंग और कार्बन से बने कंपाउंड में क्वेश्चन बनना होगा। दो नंबर का कोवेलेंट बॉन्ड से आएगा और दो नंबर का कार्बन के कंपाउंड से आएगा, तो इसमें विशेष ध्यान रखिए। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये शेयरिंग कर रहे हैं, बोलो बच्चों। तो ऑक्सीजन ने अटेंड कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, इनर्ट गैस का। ऑक्सीजन के पास कितने थे, बताइए जल्दी से, आउटर सेल में छह, दो की शेयरिंग कर ली, बाइवेलेंट छह दो आठ, दो दो आठ, इसने कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया, नियॉन के पास दस होते हैं। समझ में आ गया। तो और हाइड्रोजन ने कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया, हाइड्रोजन का एक था, एक और ले लिया, दो हो गया, हीलियम हो गया है। समझ में आ गया। इस पर ध्यान रखना है आपको, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सही है, इसमें आ सकता है क्वेश्चन। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमाउंट द फॉलोइंग आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, देखिए ध्यान से, CH3 इस तरीके से दिए गया, ओपन करके CH2 CH3। दूसरा विकल्प दिया गया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। थर्ड विकल्प दिया गया ऑब्जेक्टिव में CH3 CH CH3 और CH3। ओके, ये फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। इसमें दिया गया है पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, इस तरीके से सेकंड फोर्थ सही है, थर्ड फोर्थ सही है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, पहले समझो,
हाइड्रोकार्बन अभी दो होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, समझ में आ गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। तो देखिए जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होता है, और प्रश्न ये पूछा अनसैचुरेटेड कौन है, तो अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। बच्चों कहीं दिख रहा है डबल बॉन्ड, दिख रहा है सर, ये दिख रहा है, दिस इज एल्कीन सर, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है कहीं, ये दिख रहा है सर, ये दिख रहा है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा एंड कौन सा चौथा, यानी सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन पे टिक मारेंगे, समझ में आ गया। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ की बात करते हैं, ये हमारा सी ऑप्शन सही है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा सी ऑप्शन क्लियर हो गया। तो सैचुरेटेड कौन होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे सैचुरेटेड कहते हैं, और जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो पूछा गया इन द फॉलोइंग व्हिच इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज द राइट आंसर, समझ में आ गया। ठीक है मैसेज का नाम बता देते हैं, आईबीसी में आपको जरूरत पड़ सकती है, इसलिए 1, 2, 3, 4 दिस इज अ ब्यूटेन, ये क्या है माना ब्यूटेन है, और यहां पर देखिए इधर से नंबरिंग करो तो ट्रिपल बॉन्ड पास करेगा उधर से भी, 1, 2, 3, 4 इसका नाम क्या होगा, ब्यूट टू आयन, ब्यूट टू आयन, आयन माने ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन नहीं तो टू मिथाइल प्रोपेन, इसमें ये छूट गया, ऐसी नंबरिंग नहीं भई है, तो दो पर लटका हुआ क्या है, मिथाइल, टू मिथाइल प्रोपेन, इसकी नंबरिंग डबल वन से पास करेंगे, यहां से करेंगे 1, 2, 3 तो यहाँ पर नंबरिंग में क्या हुआ, टू पे मिथाइल छूट गया, टू मिथाइल प्रोपीन बन रहे, कोई मतलब नहीं, टू मिथाइल प्रोप बनी या टू मिथाइल प्रोपीन, इसका इजी नाम हो गया। चलिए इस तरीके से नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या समझिए ध्यान से, ये क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको इस तरीके से, आप हमारी कुछ वीडियोस 10th क्लास के पीछे पड़ी हुई आप देख सकते हैं, जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसके साथ में कुछ चीजें हम बता रहे हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन, ऑयल्स बड़े ध्यान समझना, ऑयल्स क्वेश्चन को समझिए, ऑयल्स माने तेल, ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन, ऑयल को हाइड्रोजन से ट्रीट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम पीडी अथवा और निकिल कैटालिस की प्रेजेंस में, ऑयल्स को हाइड्रोजन से ट्रीट किया जाए जो कि फैट बनाता है, फैट्स बनाते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल है एडिशन रिएक्शन पहला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दूसरा, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, एडिशन रिएक्शन सही है, ये ना तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, ना तो डिस्प्लेसमेंट है, ना सब्स्टिट्यूशन है और ना ही ऑक्सीडेशन है, ये इसमें ऐड हो रहा है, दिख नहीं रहा, ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। आपको पता है ऑयल्स कैसे होते हैं, ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड, ऑयल अनसैचुरेटेड होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए अनसैचुरेटेड को डबल बॉन्ड वाले को हम क्या कहते हैं, एल्कीन, एल्कीन का दूसरा नाम जानते हो, ऑयली फिन्स भी कहलाता है, क्यों बताइए, ऑयल्स कैसे होते हैं, ऑयल्स में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड होने की वजह से इन्हें हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए बच्चों, देखिए ये हमारे हाइड्रोजन का जुड़ना इन कैटालिस्ट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, टी ब्लॉक एलिमेंट्स, इस प्रोसेस का नाम कहलाएगा हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अब इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा बच्चा, कैसे जुड़ेगा देखना ध्यान से, ये डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, ध्यान से देखो एल्कीन है, अब ये डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए, समझ में आ गया। इस तरीके से कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड आ गया एल्केन, बन गया एल्केन, तो फैट कैसे होते हैं, सैचुरेटेड, और ऑयल कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड, समझ में आया। इस तरीके से हाइड्रोजन गैस जुड़ जाएगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, इसमें हाइड्रोजनेशन नहीं दिखा,
यहां लिख दिया एडिशन रिएक्शन। तो अगर ऑप्शन में दो होते एडिशन रिएक्शन, फिर दूसरे में देते हाइड्रोजनेशन, प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन बट रिएक्शन इज एडिशन। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप। बच्चों बड़े ध्यान समझना, इधर देखिए OH, बड़े ध्यान समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। OH हाइड्रोक्सी OH, OH कौन सा क्रियात्मक समूह है, OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सबको पता है बेलोन है, क्या है एल्कोहल, जहां OH होता है उसे एल्कोहल कहते हैं जब कार्बन छोड़ा। इसमें लिखा इन विच ऑफ द फॉलोइंग OH इज फंक्शनल ग्रुप, किसमें फंक्शनल ग्रुप OH होगा, बड़ा ध्यान समझना, ब्यूटेनोन इसमें होगा क्या, ब्यूटेनॉल इसमें होगा क्या, ब्यूटेनोइक इसमें होगा क्या, ब्यूटेनोइक एसिड है, डी ऑप्शन दिया ब्यूटेनल। बताओ बच्चों किसमें OH ग्रुप होगा, ब्यूटेनॉल, सेकंड ऑप्शन सही है, यू विल गेट 1 मार्क्स। समझ में आ गया, तो यहां पर ब्यूटेनॉल होगा, ब्यूटेनॉल हो गया। इधर देखिए ब्यूटेनॉन जानते क्या होता है, ब्यूटेनॉन में कीटोनिक ग्रुप है, ओन लगा है, ओन का मतलब सफिक्स कीटोन है, ब्यूटेनॉल ऑन लगा है, सर इसमें OH होगा, ब्यूटेनोइक ओइक लगा है, सी डबल OH फंक्शनल ग्रुप होगा, ब्यूटेनल अल इसका मतलब CH2 होगा, सर पहले में होगा कीटोनिक ग्रुप और दूसरे में होगा एल्कोहलिक ग्रुप, ये एल्कोहलिक ग्रुप, ये सर कार्बोक्सिलिक एसिड है, सी डबल OH होता है और सर ब्यूटेनल है तो एल्डिहाइडिक है। समझ में आया, तो इस तरीके से हम जज कर देते हैं, सफिक्स के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब रही बात इनके नाम की, आप इनका नाम भी कर सकते हो, कार्बन क्या है, जैसे कार्बन कितने इसमें 4 है, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 कार्बन लगा दो। अब ब्यूटेनोन और कीटोन, कीटोन कहां होता है, कीटोन या तो बीच में होता है, तो हम इधर लगा दे चाहे इधर लगा दे, सर बन गया ब्यूटेनोन, बैलेंस तो कर ही लोगे हम। इसी तरीके से ब्यूटेनॉल में बेटा देखो 4 कार्बन में OH लगा दो, चाहे OH यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, ये ब्यूटेनॉल बन हो जाएगा। इसी तरीके से ब्यूटेनोइक एसिड में हम 4 कार्बन में 1 कार्बन में क्या लगा देंगे, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा, तो ये क्या बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। इधर ध्यान से देखिए 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड बन गया, और ब्यूटेनॉल में क्या हो जाएगा 4 कार्बन में 1 में लगा दो CH2 लो, तो अब इसका नाम क्या हो गया 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम ब्यूटेनल। तो फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, अब हम आपको पढ़ के बताते हैं। ए होमोलोगस सीरीज इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन दी है, होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग टू द सेम फैमिली हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। होमोलोगस सीरीज में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, कार्बन ही कार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन है, बोलो हाइड्रोकार्बन है, बस कार्बन 3 है, कहीं 4 है, कहीं कार्बन 5 है, बोलो है तो होमोलोगस सीरीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सेम होगी। आगे क्या है, द मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोगस एंड डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। क्यों, अभी आप एल्केन में देख लीजिए, अगर हम आपसे कहें ब्यूटेन पेंटेन, ये देखिए ये प्रोपेन है, बच्चों बताओ ये क्या है, प्रोपेन, ये सही है, यहाँ CH2 होगा, इसका नाम बताओ क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या है ब्यूटेन, बच्चों बताओ कितने का अंतर है, CH2 का अंतर है, बोलो है
कार्बन की संख्या में कम ज्यादा हो जाएगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बट दे आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू CH2। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स समझ में आ गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में डिफरेंस है। तो ये होमोलोगस सीरीज कहलाती है, जैसे फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, दिस इज अ होमोलोगस सीरीज, सब एक से है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है इसमें, अब आया क्वेश्चन बताना, इसमें टोटल 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सिमिलर टू ब्यूटेन। इसमें चार ऑप्शन में ये कहा ब्यूटेन के समान रहने वाला केमिकल प्रॉपर्टीज किसमें कंपाउंड में है, जैसे जो ब्यूटेन में केमिकल प्रॉपर्टी हो वो चार ऑप्शन में दिए गए उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो ब्यूटेन कौन है, एल्केन की एल्कीन, एल्केन ब्यूटेन एन सभी के सब पता चल जाता है ब्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन में पता चल जाता है ब्यूटाइन क्या हो गया, अप्रोपीन दूसरा, तीसरा ऑप्शन देखो प्रोपाइन और पेंटेन। बताओ बच्चों इसमें ब्यूटेन के समान केमिकल प्रॉपर्टी किसमें है, पेंटेन में है, क्योंकि ये भी एन है ये भी एन है। समझ में आ गया, मैचिंग हो गई होमोलोगस सीरीज में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ब्यूटेन की पेंटेन के समान है। ब्यूटेन का फॉर्मूला 4 × 8 = 10 याद है, 5 × 10 = 12 समझ में आया। एल्केन है, अंतर दोनों में कितने का है, CH2 का डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट दिया, विच इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स इन द होमोलोगस सीरीज इन एल्केन इन द टर्म्स ऑफ, इसमें पूछा गया है कि दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स अगर होमोलोगस सीरीज के हैं एल्केन के तो उनमें अंतर बताओ किसके आधार पर अंतर होगा, मॉलिक्यूलर मास के आधार पर अंतर होगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट के आधार पर होगा। तो आपको इस पर क्या कहेंगे, हाँ जी मॉलिक्यूलर मास का अंतर होगा। और समझो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन भी क्या गया कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं। क्या अंतर होगा कंजुगेटिव मेंबर्स में होमोलोगस सीरीज में एल्केन्स में मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में बताओ। हमने क्या कहा होमोलोगस सीरीज में, वेरी गुड, CH2 का अंतर होता केवल, और CH2 का मास कितना होता बताओ। अभी ब्यूटेन पेंटेन में कितने का अंतर है, कंजुगेटिव हो गए दोनों, तो CH2 में कितने का अंतर, 12 × 2 = 14 होगा, 14 का अंतर है, मोलर मास 14, इसका 12 इसके 2, इसका 12 एटॉमिक मास इसका 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 दोनों। यानी अगर आप ये कहते हैं कंजुगेटिव में ब्यूटेन और पेंटेन ले लीजिए तो दोनों में डिफरेंस किसका होगा, CH2 का। तो इसमें बताया अंतर बताओ मॉलिक्यूलर मास के आधार पे, सर 14 मॉलिक्यूलर मास आएगा डिफरेंस होगा। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा गया है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो CH2 का अंतर होगा, बोलो तो आप यहाँ लिख देंगे CH2 का डिफरेंस होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट CH2 हो गया। ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सी, द कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया गया है, क्या दिया गया है, एक कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड का फार्मूला दिया गया है CH3CHOH और CH3, ये बिलोंग टू विच होमोलोगस सीरीज, ये किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, गलत, दिस इज एल्कोहल। आप लोगों को ये नहीं पता है एसिड बता रहे, ये एल्कोहल है, एल्कोहल में OH होता है। अब अगर एल्केन होता तो एल्केन होमोलोगस सीरीज होती, एल्कीन होता तो एल्कीन लिखते, अभी यहाँ दिख रहा है तुम्हें OH लगा है तो ये एल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये एल्कोहल। तो इसमें पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग टू विच होमोलोगस सीरीज, तो आंसर लिखो एल्कोहल्स, ये एल्कोहल से बिलोंग करता है। इसका IBC नाम आप बता सकते हैं, CH3CH। अब पता है यहाँ पर सी से एक एच लगा है, एक OH लगा है, और ये CH3 है। नंबरिंग 1, 2, 3 2 hydroxy propane इसका IPAC होगा, गलत, आपको पता नहीं है कौन राजा है, तो propanol 2, ये propanol 2 है, सफिक्स लगेगा। और तो बताओ जब फंक्शन ग्रुप OH लगा हो तो होमोलोगस सीरीज OH हो गई, एल्केन है एल्केन है एल्केन है एल्केन, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए होमोलोगस सीरीज, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होमोलोगस सीरीज की नहीं है, नहीं है, होती कौन सी है होमोलोगस की पहचान, उनमें उनमें सब
केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती बट बे डिफरेंट होते नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में मोलर मास में। कौन सी नहीं है? दे सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ये तो होती है। तो उसमें पूछा गया बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो कौन सी नहीं होगी वो बताना है। नहीं है, चलो होगी पहली देव इसमें लिखा है दे सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ये तो होगी। जो पेंटेन की केमिकल प्रॉपर्टी होगी वही ब्यूटेन की होगी, जो मेथेन शो कर रहा है वही एथेन शो करेगा, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई। अरे भाई मेथेन को सनलाइट में रिएक्शन कराओ क्लोरीन से, एच हट जाएगा मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर इसकी जगह पर C2H6 की रिएक्शन क्लोरीन से कराओ सनलाइट की प्रेजेंस में, एच हट जाएगा HCl लग जाएगा, बोलो। तो अब ये प्रॉपर्टी सेम नहीं हुई केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें पहला ऑप्शन था दे सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये मतलब होमोलोगस सीरीज की पहचान है, उसकी प्रॉपर्टी है। वो कह रहा कौन सी प्रॉपर्टी होमोलोगस सीरीज से मैच नहीं करती है, पहले तो मैच करती है। दे डिफर बाय 14 यूनिट्स बाय मास, हाँ भाई ये डिफर होते हैं 14 यूनिट मास से, बोलो। 14 का अंतर होता है ब्यूटेन पेंटेन में, CH2 का अंतर है, ये भी सही है, मतलब उनके हिसाब से। दे ऑल कंटेन डबल बॉन्ड, क्या इन सब में डबल बॉन्ड होता है। आगे दे कैन रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, क्या ये जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देखिए भाई इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी है, दे आर कंटेन डबल बॉन्ड का ऐसा तो है नहीं कि होमोलोगस सीरीज में प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, कौन सी है नहीं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए होमोलोगस सीरीज, कौन सी प्रॉपर्टी होमोलोगस सीरीज की नहीं है। पहली वाली है, दूसरी वाली है, और थर्ड में कह रहा है दे आर कंटेन डबल बॉन्ड, ये नहीं है। और चौथा है इन सबका जनरल फार्मूला होता नहीं है, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, होता है। अच्छा बताओ एल्कोहल का जनरल फार्मूला एल्कोहल का है, एल्गिन का है, सबका होता है। तो हमारे इसमें सी ऑप्शन गलत है, जिसमें वो ये कह रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड हर जगह होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कार्बन हैज द यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, सबको पता है कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड मजबूत होता है, इसलिए इनकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। इनका बॉन्ड टूटने के लिए हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, इसलिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एज, बताइए कौन सी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी शेयरिंग करने की, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ओके। गिव रीजन फॉर दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन की इस यूनिक प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटेनेशन। और इसका रीजन क्या होता है बच्चों, इसका रीजन है कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, जो बताइए, और इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, एक रीजन और ये है कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है कि डाइवेलेंसी होती है, टेट्रावेलेंसी होती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, आप नोट कर सकते हो ये क्वेश्चन, कार्बन ज्यादातर क्या है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, कार्बन कई तरीके के कंपाउंड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। नंबर एक रीजन है याद रखो कैटेनेशन, कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, और दूसरा होती है टेट्रावेलेंसी, टेट्रा वैलेंसी। इन दोनों की वजह से कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, इन दोनों की वजह से कार्बन लार्ज कंपाउंड्स ऑर्गेनिक बनाता है। कार्बन कंपाउंड बने, कार्बन के कंपाउंड इतने ज्यादा क्यों बने, कार्बन की दो प्रॉपर्टीज की वजह से बने। हम एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, कार्बन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है शेयरिंग करके, बॉन्ड बनाकर, क्यों, कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती, कार्बन में टेट्रा बैलेंसी होती, इन दोनों की वजह से कार्बन क्या करता है, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। अगला क्वेश्चन है गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ओके चलो बताओ शायद को एग्जाम में कितने तरीके के बॉन्ड बन सकते हैं, टोटल बॉन्ड बताओ साइक्लोहेक्सेन में, बच्चों बताओ साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर, क्वेश्चन ये है साइक्लोहेक्सेन में कितने बॉन्ड बनेंगे कोवेलेंट, ये बताइए साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बताओ, घर नहीं इधर, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बनाइए, ये देखा स्ट्रक्चर। तो कार्बन में इसमें कितने कार्बन होते हैं, कार्बन इसमें कितने हैं, छह कार्बन होते हैं, और चार कार्बन
और एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार। तो यहाँ कितने बचे? दो। दो यहाँ क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दो लगाएंगे। अब कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, एक कार्बन पर कितने हैं हाइड्रोजन वैलेंसी पूरा करने के लिए? दो हाइड्रोजन लगाएंगे। बोलो बच्चों, जब दो हाइड्रोजन लगाएंगे चार हो गएगा। अब बताओ यहाँ कुल कितने बॉन्ड हो गए? देखिए बॉन्ड समझो, एक दो तीन चार पाँच छह। साइक्लोहेक्सेन में ये छह कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितने हैं? छह। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितने हैं? सिक्स। और हाइड्रोजन वाले ग्रुप एक में कितने हैं? दो। दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितने? बारह। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए? अठारह। तो साइक्लोहेक्सेन में टोटल कोवेलेंट बॉन्ड 18 हो गए, 18 हो गए। समझ में आ गया? तो बच्चों एक लास्ट में आपको इस पूरे टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रहे, जो इस साल 2031 में आएगी, वो ये है कार्बन फॉर्म्स मैनी कंपाउंड्स। कार्बन कई तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, क्यों बनाता है उसका रीजन दीजिए। तो आपके पास दो कारण है। कार्बन की सबसे पहली बात है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। आप तुरंत लिखेंगे सर कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन, श्रृंखला बनाना। तो कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, दूसरा कार्बन में टेट्रा वैलेंसी होती है। इन दो कारणों की वजह से कार्बन बहुत तरीके के कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। तो बच्चों आज के हमारे ये लगभग टॉप क्वेश्चंस आपको बताए, इनकी सीरीज आपको चालू रहेगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।